सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अब तो मेरे को शर्म आने लगी इस चैनल पे आने में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इस पे एक्टिव रहूंगी और फिर चार पांच वीडियोस बनाने के बाद मैं गायब हो लेती हूँ। मेरे से होता ही नहीं है वे। और आजकल मेरे चैनल के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मन भी नहीं करता है वीडियोस डालने का। बट यस, हियर वी आर गाइस। सो गाइस, काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं स्ट्रीट फूड को रोस्ट करते हुए या फिर रिएक्ट करते हुए वीडियो बनाऊं। इस मैंने काफी टाइम पहले बनाया था मेरे मेन चैनल पे, लेकिन किसी वजह से मैंने वो वीडियो हटा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बनाती हूँ स्ट्रीट फूड्स पे रिएक्ट करते हुए वीडियो। लेकिन वीडियो ढूंढते वक्त मैंने डिस्कवर किया ये कपल को, जो कि अब स्ट्रीट फूड का धंधा खा चुके हैं पूरा, ठीक है। और कपल भी नहीं यार, लोग सिर्फ भाभी को देखने जा रहे हैं। यू नॉटी नॉटी, यू टीजिंग मी, यू नॉटी नॉटी। तो ये रेडी है हमारा हार्ट शेप पिज्जा। इसके अंदर बहुत सारे कॉर्न्स और बहुत सारे चीज तो है ही, साथ में है बहुत सारा प्यार, ताकि आप जिसको भी ये पिज्जा खिलाओ। मैं बता रही हूँ, इसके बाद भैया आएंगे ये वीडियो में, चुम्बी लेने के लिए आते हैं भाभी की, उसके बाद निकल लेते हैं। और कैमरामैन जो भी रहता है वो भी फुल फोकस भाभी पे ही रखता है, फिर वो भी निकाल देता है। भैया आप खाना बनाओ, भाभी को बोलने दो। बड़ा हरामी हो बेटा। ये मेरे ड्रीम बॉय है, क्योंकि एक लड़की का ना ड्रीम होता है कि खाना बनाने वाला हस्बैंड मिल जाए और हम बैठ के आराम से खाएं। तो जब मुझे पता लगा था ना इनका ये काम है फूड का, मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे लगता था चलो खाना बनाएंगे आराम से बैठ। अब बेचारी बोले भी तो क्या, मैं तो इसको डेट कर रही थी, फिर पता चला कि ये स्ट्रीट फूड बेचता है। अभी तो ये इसलिए बोल रही है क्योंकि इनका धंधा चल गया, वरना ये चिढ़ गई होती कि अच्छा साले स्ट्रीट फूड बेचते हो तो शादी करने के बाद मुझसे भी यही करवा रहे हो। खुशी खुशी शादी के बाद ये नहीं करता, वो तो आप लोग का चल गया तो आप लोग को अच्छा लग रहा है। भाई मेरे को एक तो दया आती है स्ट्रीट फूड सेलर्स पे कि कभी भी उनको कहीं भी शिफ्ट करना पड़ सकता है, अगर मौसम खराब हुआ या कुछ भी हुआ तो धूप में खड़े रहो। श्योरिटी भी नहीं है कि तुम्हारा दुकान चलेगा ही चलेगा। अगर तुम मक्खन यूज करके कुछ कर रहे हो फिर तो चांदी है तुम। और तो और वो इतनी मेहनत भी करते हैं, लोग आके उसमें कचर पचर कर देते, मेरे को दया आती है यार स्ट्रीट फूड सेलर्स की, सच्ची। ये मेरे ड्रीम बॉय है, क्योंकि एक लड़की का ना ड्रीम होता है कि खाना बनाने वाला हस्बैंड मिल जाए और हम बैठ के आराम से खाएं। तो जब मुझे पता लगा था ना इनका ये काम है फूड का, मैं बड़ी खुश हो गई। ये लोग वीडियो के बीच में रोमांस कर रहे हैं, चुम्मी ले रहे हैं, बाल फूका जा रहे हैं, जुल्फे सवारी जा रही है। अरे साला जो खाने आएगा वो भी बोलेगा लेकिन भैया मैं तो यहाँ पे पिज्जा खाने आया था। लेकिन इनका अलग ही चल रहा होगा, ये अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे होंगे, चुम्मी ले रहे सवार रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, एक दूसरे को चीज डाल रहे होंगे हवा में उड़ा। लोग भी बोलेंगे आशिकी बाद में कर लियो घर जाके, पहले तो मेरा पिज्जा लगा दो भाभी। और मैं बता रही हूँ लड़की का कोई ड्रीम भी नहीं होता कि उसको खाना बनाने वाला हस्बैंड मिले। अंडरस्टैंडिंग बस बहुत ज्यादा होता है अगर कोई अंडरस्टैंडिंग, और हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई भी तुमको जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, हेल्पिंग मिल जाए, बस जिंदगी सफल है। ये ड्रीम वाली कोई बात नहीं है। अब तो भाई यहाँ पे कहानियां बनाई जा रही है, देखा जा रहा है कि पॉपुलैरिटी तो वैसे ही गेन कर रहे हैं हम। चलो और थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें कर दी जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलो खाना बनाएंगे आराम से बैठ के खाऊंगी, चलो रोज नहीं संडे संडे। बेचारी ने सोचा था ये बनाएंगे और मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, लेकिन भैया तो यहाँ पे इनसे भी ठेले पे बुला के बनवा रहे हैं खाना। दर आप लोगों ने हमें एज अ कपल इतना फेमस कर दिया, इतना वायरल कर दिया ऑल ओवर इंडिया में। इन लोग को भी पता है कि ये लोग एज अ कपल वायरल हो रहे हैं, मतलब अपने खाने के लिए नहीं हो रहे। लोग एक बार सोचो कि इनके बाजू ही कोई एक चाट शॉप हो जो कि मतलब खतरनाक चाट बनाता हो, लेकिन उस बेचारे का घंटा ना बिक रहा हो कुछ, क्योंकि वो सिंगल है। हम सारा सिंगल लोग भुगतने के लिए आए क्या मैं दुनिया में, चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर जगह कपल्स लोग घुसा देते हो, फेमस हो जाते हैं वो लोग। यहाँ पे यूट्यूब पे भी ब्लॉगर्स लोग आजकल पूरा राज कर, शादी कर ले रहे हैं, बच्चा कर ले रहे हैं, बच्चा हग रहे हैं, मूत्र रहे, सबका वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। मतलब क्या बे, हम लोग क्यों है यहाँ, साले मजाक बना के रखते हैं। वैसे बहुत से लोग तो स्टॉक्स और बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, देन पॉकेट ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर यू। पॉकेट ऑप्शन इज अ बाइनरी एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यू कैन अर्न मनी बाय ट्रेडिंग ऑन 100 प्लस एसेट्स, व्हिच इंक्लूड्स बिग कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। आप इन सारे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम। और तो और यहाँ पे आप ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों कर सकते हैं ऑन गोल्ड, सिल्वर एंड करेंसी। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो पॉकेट ऑप्शन आपको ऑफर करता है गाइड्स, ट्यूटोरियल, स्ट्रेटजीज, आइडियाज टू learn and invest, and you can also make money through social trading by which you can become an expert. जहाँ पे all you need to do is copy strategies of other traders. Pocket option आपको demo account भी देता है of $10,000, जहाँ पे आप virtually trading सीख सकते हो, practice कर सकते हो। यहाँ पे एक feature S5 करके which allows you to trade 20% faster than other platforms. यहाँ पे deposit और withdrawal बहुत easy होता है। आप MobiKwik, Airtel Money, Jio Money, Phone Pay, Ola Money, Google Bank Transfer और भी बहुत कुछ use कर सकते हो। Minimum trade और investment amount सिर्फ $1, ₹0 commission on deposit and withdrawal. Pocket option iOS और Android
दोनों पे अवेलेबल है। सो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, गो चेक दिस ऐप आउट नाउ। और बाहर बाहर से भी हमारे पास मैसेजेस आते हैं, लोग आते हैं बोलते हैं हमारे पास बाहर से वीडियो आई, ये उन लोगों के लिए प्यार है। इतना ज्यादा फेमस कर दिया तो ये उनके प्यार को डेडिकेट करके हमने हार्ट वाला पिज्जा लेके आया। बोलना तो बहुत अच्छा आता मतलब है, मतलब ये व्लॉगर्स लोग के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है कैसे लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले। और ये भाभी जी ने उसमें मास्टर डिग्री करी हुई है। और वो भैया, भैया को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, वे बीच में थोड़ा सा ऐसा कुछ कर लेते हैं उसके बाद निकल लेते हैं। गलती से भी इसके पास थोड़ी सी भी फुटेज नहीं जानी चाहिए। मेरे को लालच दिया कि मेरे को तो खाना बनाने आता है, शादी के बाद मैं तेरे को बना के खिलाऊंगा, और यहाँ पे स्टॉल पे आके मुझसे खाना बनवाता है, उसका बदला ले रही है दीदी। और देखो सच बोले तो ये भाभी जी अगर नहीं होती ना तो भैया का धंधा चलता ही नहीं। मैं बता रही हूँ, तुम लोगों ने भी पिज्जा नहीं देखा होगा अभी, ना भैया को देखा होगा, सिर्फ भाभी को देखे जा रहे होंगे। ये है हमारा चीजी चीज पुल वाला कुल्लड़ पिज्जा। कैसे खुश हो रही है यार वो चीज वाला कुल्लड़ पिज्जा। भाई मेरे को सोच के अजीब फील हो रहा है कि इतना सारा चीज एक कुल्लड़ में भर के तुमको दे दिया जाए। मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है जब मैं स्ट्रीट फूड पे वीडियो बनाऊंगी, मैं पूरे वीडियो ही कर रही होंगी, मेरे को पक्का पता है। मतलब मेरे को घिन आती है चीज से, और इतना सारा चीज, इतना सारा चीज खा रहे तुम्हारे इंटेस्टाइन की माधुरी हो जाएगी गाइस। वाओ, कुल्हड़ पिज्जा से आरती उतारी जा रही है, नाइस। ज्यादातर लोग यहाँ पे खाने नहीं जा रहे हैं, इनके साथ वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ये लोग वायरल हो गए। देखो अच्छा है कोई वायरल हो जा रहा है, किसी का कुछ अच्छा चल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, भगवान करे हमेशा चले, सबका अच्छा चले। लेकिन फिर यही हो जाता है ना, जैसे बाबा के ढाबा वाला सीन हो गया, तुम लोग एक ही आदमी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि बाकी लोग तो फिर ऐसे मक्खी भी नहीं भनक रही उनके आसपास। ऐसे नहीं भाई, मतलब जो अच्छा कर रहे हैं, सच में मैंने बहुत सारे लोग को, स्ट्रीट फूड वाले लोग को भी देखा है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं काम लेकिन उनका कुछ नहीं चल रहा। ये लोग वायरल हो गए, अच्छा है, गुड फॉर देम। लेकिन जो बाकी लोग भी डिजर्व करते हैं उनके पास भी जाओ यार। दुनिया की रीत भी वही है यार, जो फेमस उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं, सही गलत कुछ बिना सोचे। तो मेरे को तो जहां तक लग रहा है लोग ज्यादातर इनके पास वीडियो बनाने जाते हैं, खाने तो नहीं जाते हैं। अच्छा ये लोग सिर्फ पिज्जा ही बनाते हैं, पीछे आंटी लोग खड़ी होकर देख रही हैं कब आएगा हमारा पिज्जा। रात हो गया, उनको उनका पिज्जा नहीं मिला, ये लोग बात करते रह गए रोमांटिक रोमांटिक। बस लड़कियों की आदत होती है थोड़ा सा नाराज होने की, मुंह बना के रखने की, हस्बैंड बना लेते हम मान जाते। लड़कियों की आदत नहीं होती है ये, निब्बियों की आदत होती है, बिना बैठ के मुंह बना के बैठ गए। उसमें भी रुके हुए हैं कि कोई आएगा और मनाएगा, क्यों बे? मेरे को चिढ़ मचती है ऐसी लड़कियों से, सच बता रहे, जो बिना बात के नखरे मार रही हैं। चीज सोचो कौन है ये लोग जो वहाँ पे जाके इन लोग से ऐसे ऐसे सवाल। एक तो इन लोगों ने बेचारों ने ग्लव्स भी नहीं पहना है खाना बनाते वक्त, वो हाइजीन की तो मैया माधुरी हुई है। ऊपर से खाना बनाते वक्त इतना बोलती भी है, थूक निकलता होगा मैन, और ज्यादा चीज ही हो जाता होगा। जो लोग वहाँ पे खा के आए होंगे वही वीडियो देखने के बाद करने वाले। ਬਾਜਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
कहानी तो नहीं समझ आ रही है, पर शायद किसी ने आके, मतलब इन्होंने सिर्फ गाड़ी साइड करने को बोला तो शायद किसी ने आके इनको धमकी वमकी भी दे दी, गाली वाली हम मार देंगे और माँ बहन की गाली वाली भी दे दी। देखो गाइस, वीडियो का एंडिंग में मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी के भी तरक्की से जलो मत, प्लीज मत कोई जलो। कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी वजह से सक्सेसफुल हो रहा है, लिखा होगा भाई, भगवान कुछ सोच के दे रहा होगा इसको। मैं खुद बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लोग इतने जलन खो रहे हैं, मतलब तुमको नीचा दिखाने के लिए, तुमको गंदा बताने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। मेरे बारे में भी ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आजकल वायरल हो रही है जिनका ना कोई लिंक विंक है ही नहीं भाई, चूतिया से उस फोटो का एडिटेड कोई फोटो है और उसका कोई लिंक विंक भी नहीं है और लोग मुझसे आके लिंक मांग रहे हैं। ये तो भाई मेरा दिमाग सही जगह पे है, हिल नहीं रहा है मेरा दिमाग ज्यादा, और लोग मुझसे आके लिंक मांग रहे हैं। चूतियो, तुमको फोटो मिल गया मेरा, तुमको लिंक नहीं मिल रहा, वीडियो नहीं मिल रहा, वीडियो देखो बे, लिंक दो, सब में बांटो, देखो और मिले तो मेरे को भी भेजियो। मैंने बहुत लोग को ऐसे देखा है, सक्सेस से इतना जलते हैं, मतलब कुछ भी करने को, किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं लोग। अगर अच्छा चल रहा है तो भाई चलने देना, तू अपना सुधार, अपना अच्छा, लेकिन लोगों के पास बहुत टाइम है बैठ के फुर्सत में दूसरों का बिगाड़ने का, अपना अच्छा नहीं करेंगे उस टाइम, दूसरों का बिगाड़ेंगे। और इसीलिए भाई ऐसे ऐसे लोगों का ज्यादा बंबू होता है, जब होता है ना बहुत बुरे हालत से होता है। मैं किसी को कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ फिर से क्या चल रहा है मेरे बारे में यूट्यूब पे और क्या क्या चीजें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं शांति से बैठी हूँ। करो भाई, जितना उड़ना उड़ो, जितना करना है करो, बरस लालो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिमाग गर्म हो जाता है सीरियसली जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग उसको पीछे पुल करने के लिए इतना हद तक गिर जाते हैं। उस बेचारे ने बस गाड़ी साइड करने को बोला है, लोग उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, जान की धमकी तक दे के चले जा रहे हैं। वो लोग में से तो ये कहो कि भाभी जी थोड़ी सी स्ट्रांग है तो संभाल ली होंगी, पर मेरे को पक्का पता है भैया अकेले होते तो डर जाते और उनको अजीब फील होता। मतलब कोई भी वहां पे होगा, अकेला होगा, जिसको इतनी सारी चीजें झेलनी पड़ जाएंगी, उसको डर ही लगेगा, अजीब ही फील होगा। तो गाइस, मैं तो नहीं चाहती कि हमारे ऑडियंस में से जो भी ये सब देखता है उसमें से कोई एक भी बंदा ऐसा हो जो किसी के सक्सेस से जलता हो या किसी को आगे बढ़ता देख जलता हो या फिर मतलब कुछ भी नेगेटिव सा हो। यार मैंने बहुत कोशिश करी है अपने आसपास पॉजिटिव वैसा रखने का और मैं डिसाइड भी कर रही हूँ, मतलब मैंने मन थोड़ा सा ऐसा बनाया है कि शायद मैं मेरी मेन चैनल सारे गाली वाले वीडियोस अभी से बंद करने वाली हूँ, मैं नॉर्मल वीडियोस बनाने वाली हूँ। गाली के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं यूट्यूब पे जो मेरी गाली पे खेल जाते हैं कि ये तो गाली देके व्यूज लेके जाती, तुम भी दो ना बहनचो। मतलब ह्यूमर पे कोई जाता ही नहीं है कि ह्यूमरस तो है ही नहीं है, ये तो सिर्फ गाली देके और लड़की है इसलिए। इसीलिए शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, इसीलिए शायद मैं सोच रही हूँ ऐसे कॉन्टेंट को हटाने का और आगे से ऐसे नहीं बनाने का। फिलहाल के लिए दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस, मेरा मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो गया। वीडियो लाइक करके मेरा मूड अच्छा कर दो गाइस। कमेंट जरूर करना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, एंड आई कैन मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रीट फूड इफ यू गाइस टेल मी टू। आपका हुक्म सर आंखों पर। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ माइन, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इस चैनल को भी कर ले। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।